हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज। आज के हेडलाइंस हैं, भारत में ग्रीन फंगस संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, जीआई टैग वाले केले का दुबई में हुआ निर्यात, आईएमडी के सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है बरकरार, मध्य प्रदेश की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने स्वर्ण पदक जीता और एंटोनियो गुटेरस लगातार दूसरी बार बने संयुक्त राष्ट्र सचिव। आइए अब इन सभी न्यूज को विस्तृत से देखते हैं। भारत में ग्रीन फंगस संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्रीन फंगस का पहला मामला आया है। एक मरीज के फेफड़े की जांच के दौरान उसके फेफड़ों में ग्रीन फंगस होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल देश के इस अकेले मरीज को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा है कि मरीज के फेफड़े की जांच में एक ग्रीन फंगस मिला है। गौरतलब है कि कोरोना के बाद देश में अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस के मरीज मिले हैं, लेकिन देश में ये पहला मामला है जो ग्रीन फंगस का आया है। जीआई टैग वाले केले का भारत ने दुबई में निर्यात किया है। जीआई टैग का उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद के लिए किया जाता है। ये केले भारत के जलगांव से दुबई को निर्यात किए गए हैं। वर्ष 2016 में जलगांव केले को जीआई टैग सर्टिफिकेट मिला था। भारत केले की दृष्टि में विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत आईएमडी के सूचकांक में 43वें स्थान पर बरकरार है। भारत ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के सालाना वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वें स्थान को बरकरार रखा है। इस बार के सूचकांक में कोविड-19 महामारी का दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़े प्रभाव का आकलन भी किया गया है। कुल 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर, डेनमार्क एक स्थान खोकर तीसरे स्थान पर है, जबकि नीदरलैंड चौथे स्थान पर बरकरार है। वहीं सूची में सिंगापुर पांचवें स्थान पर खिसक गया है, जबकि 2020 में पहले स्थान पर था। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर पांचवें, हांगकांग सातवें, ताइवान आठवें और चीन 16वें स्थान पर है। आईएमडी ने विश्व के 64 देशों की अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग की है। इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहां तक आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने लीमा में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप में इतिहास रचा है। रूबीना फ्रांसिस ने पैरा वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड में 238.1 अंकों के साथ स्वर्णिम सफलता अर्जित की है। इससे पहले भी रूबीना ने साल 2017 में ओसीजेक में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप में टर्की के खिलाड़ी को हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को एंटोनियो गुटेरस को फिर से महासचिव नियुक्त किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। अब जानते हैं 19 जून से जुड़े कुछ इतिहास के बारे में। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल आज ही के दिन लॉन्च हुआ था। एरियान पैसेंजर नीतभार परीक्षण एप्पल एक परीक्षणात्मक संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 को ठीक 35 वर्ष पहले कोरी फ्रेंच गयाना से एरियान प्रथम द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका डिजाइन सैंडविच पैसेंजर की डिजाइन की तरह था। इसका उपयोग टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण, रेडियो नेटवर्किंग सहित कंप्यूटर इंटरकनेक्ट के लिए किया जाता था। और मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रुश्दी का जन्म 1947 में 19 जून को ही हुआ था। ये एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। इन्होंने अपने दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन से प्रसिद्धि प्राप्त की,
जिसके लिए इन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार मिला। तो ये थे आज के हेडलाइंस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।